आज की वीडियो में जो मैं आपको द वॉइस ऑफ गॉड करवाऊंगी, ये पोएम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इस पोएम में जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है और इस जो स्टैंजा है इसकी एक्सप्लेनेशन और जो समरी वगैरह भी इस वीडियो में ही मैं आपको कवर करवाऊंगी। पहले मैं जो है इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम किंजा है और जो है आज मैं आपको वॉइस ऑफ गॉड करवाऊंगी जो कि पोएम है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले जो है हम इसका शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय द लॉरेंस आईमैन 1893 to 1972। ये जो है इनकी पैदाइश इनकी डे पैदाइश की जो है साल है और ये 1972 जब वो जो है डैड हुए। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस रोड आइलैंड USA। ही स्टडीज एट ब्राउन यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज डेकोरेट लेक्चर्ड एट कोलम्बिया। इन्होंने जहाँ से तालीम हासिल की थी वो थी ब्राउन यूनिवर्सिटी। आपको जो है ये सारी डिटेल्स भी जो है याद रखनी है। सही, ही इज़ द ऑथर ऑफ मेनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स। इनकी जो ज़्यादातर बुक्स थी वो थी रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे। और दिस पोएम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस फ्रेंड ऑफ माइंड। इसी पोएम जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द वॉइस ऑफ गॉड, इसी से ही जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक रिलीजियस पोएम है। स्टैंजा को पढ़ लेती हूँ। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टेपल बट द गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन आइडियल अमंग द पीपल। पहले मैं जो है आपको जो है कुछ अनहार्ड वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ। आई सॉट, साउथ का मतलब है कि यानी साउथ जो है सेकंड फॉर्म है सिख की। सिख जो है SEE, इसका मतलब है कि यानी ढूंढना। तो इस लाइन का मतलब हुआ आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मैं सुनना चाहता हूँ आवाज़ अपने रब की। एंड क्लाइम टॉप मोस्ट स्टेपल, स्टेपल का मतलब है यानी टॉप मोस्ट का मतलब है बहुत ही ऊंचा हिस्सा। स्टेपल मीन्स यानी हाँ वो हिस्सा, रिलीजियस बिल्डिंग जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा हिस्सा किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग का। रिलीजियस बिल्डिंग से मुराद यहाँ पे जो है चर्च है। सही, वो चढ़ जाता है चर्च पे, बट खुदा उसे कहता है बट द गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन आइडियल अमंग द पीपल। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि वापस नीचे जाओ क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, यानी लोगों के दिलों में। इसका मतलब ये था लोगों के दिलों में। ड्यूल का मतलब है यानी लिव करना, रहना। अमोंग का मतलब है यानी बीच। पीपल का मतलब है यानी लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताती चलूँ कि आपको जो है जो पोएम्स है सही, आपको उनके ऑथर्स के नेम याद रखने हैं क्योंकि ये बोर्ड वाले पूछते हैं, MCQs में आ जाते हैं। सही, इसकी नोट्स में देखें तो लाइन टू में जैसे मैंने आपको बताया एक वर्ड है स्टेपल, इसका मतलब है द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग। सही, एक्सरसाइज नंबर बी है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर है व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टेपल, व्हाई डिड द गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। तीसरा हमारे पास है से इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट यू थिंक इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इसी वीडियो में जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी और समरी भी करवाऊंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसी वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। पहला हमारे पास क्वेश्चन था व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टेपल। द आंसर इज द ऑथर क्लाइम द स्टेपल बिकॉज ही वांट्स टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड मीट विद द गॉड। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। इसका आंसर है गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन बिकॉज गॉड लिव्स अमंग द पीपल। The best way to find him is to serve the humanity.
तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। द मैसेज ऑफ दिस पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज दैट इफ यू वांट टू सर्व द गॉड द बेटर इज टू सर्व हिज क्रिएशन। गॉड सेज इफ यू वांट टू मेक मी हैप्पी जस्ट सर्व द ह्यूमैनिटी बिकॉज द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। सही है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी खुद भी लिख सकते हैं। स्टैंजा की जो है एक्सप्लेनेशन, शायद ही ये पेपर में आ जाए। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टेबल बट द गॉड डिक्लेयर गॉड डाउन अगेन आइडियल अमंग द पीपल। इसका जो है रेफरेंस है हमारे पास, दीज लाइंस हैज बीन मेकिंग फ्रॉम द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय द लॉयर्स आई मीन। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दिस पोएम द पोएट टेल अस गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। खुदा हर जगह है, लोगों के दिलों में है। द बेस्ट वे टू सर्व हिम टू सर्व गॉड इज टू सर्व इज टू सर्व ह्यूमन बींग। अगर आप जो है खुदा के करीब होना चाहते हैं तो आप जो है आपके जो आसपास लोग हैं आप जो है उनसे प्यार से बात करें, उन्हें दुख ना दें। एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास क्या है, इन दिस लाइन ए पोएट सेड दैट ही वांट्स टू मेक द कन्वर्सेशन विद गॉड। वो जो है इन लाइन्स में जो है पोएट कहता है कि मैं जो है अपने रब की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। इन दिस कनेक्शन ही वेंट अप द टावर ऑफ चर्च। तो इसी मामले में जो है वो क्या है कि वो जो है चर्च की जो तालिस पार्ट है बहुत ही ऊँची चोटी पर चढ़ जाता है। बट वेन ही रीच द टॉप ऑफ द टावर, जब वो जो है पहुँचता है टॉप पे, तो खुदा उसे कहता है कि नीचे जाओ बिकॉज गॉड ले बिकॉज ही लिव्स अमंग द पीपल, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता है। द बेस्ट वे टू फाइंड हिम द बेस्ट वे टू फाइंड मीन्स सर्व ह्यूमैनिटी। अगर आप जो है खुदा के करीब होना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों से अच्छा जो है बिहेवियर करें, उनसे प्यार करें, उनको जो है दुख ना दें, उनको तकलीफ ना दें। समरी जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इसका सेंट्रल आइडिया भी जो है आता है आपके पेपर में, ये भी आ सकता है व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, या फिर कह सकता है कि समरी लिखते हैं, लेकिन समरी इतनी छोटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप जो है लिख लें। इन दिस पोएम द पोएट सेड दैट ही वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड सो ही क्लाइम ओवर वेरी हाई टावर बट देन गॉड ऑर्डर हिम टू गो बैक एंड फाइंड हिम इन द पीपल। सेंट्रल आइडिया है हमारे पास, इफ समवन वांट्स टू बी क्लोज टू गॉड ही शुड नॉट अलोव हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल। अलोव का मतलब है कि यानी अपने आप को दूर कर देना। ऑलराइट, गॉड लव्स दोज हु लव पीपल एंड गॉड इज ऑलवेज विद पीपल। ऑलराइट, यही थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से यही बात कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जो है दूसरों तक भी शेयर करें।